स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। फाइनली यहाँ पर बीपीएससी के तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है अभी अभी जारी किया गया है, 2 तारीख 9 महीने रात के डेट में जारी किया गया। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड यह है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेनी चाहिए, बीपीएससी द्वारा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जा रहे हैं, चेक लिस्ट उसका आ चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अभी से डॉक्यूमेंट के लिए तैयार हो जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट जो है आपको बारीकी से मिला लेना है और सभी को रेडी करके रख लेना है, क्योंकि बहुत ही जल्द 10 दिन के अंदर में ही, या उम्मीद करता हूँ 10-12-15 दिन में आपको PRT 1-5 के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और 4 तारीख से जो है 9-10 और 10-11 क्लास का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये विज्ञापन है, आवश्यक सूचना है आप सभी को लिए। विज्ञापन संख्या 26/2023 माध्यमिक वर्ग 9-10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन वेरीफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब जो न्यू फोटो होगा अपना, 2 फोटो लेके जाना है, ठीक है, और सभी का मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका आवेदन पत्र भी लगेगा, प्रवेश पत्र भी लगेगा, एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसका, उसके बाद में सभी प्रमाण पत्र, इस सभी का 2-2 सेट तैयार करके ले जाना है। कितने कितने 2-2 जीरोक्स करना है और उसका 2 जगह सेट बनाना है और दोनों में फाइल करना है। और सभी पर जितने भी जीरोक्स करवाओगे आप उस पर स्वाभि प्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो है आपका सिग्नेचर और डेट वहाँ पर मेंशन होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना अच्छी समझ गए होंगे। अब देखिए चेक लिस्ट, सभी स्टूडेंट जो है अलग अलग उनका सेक्शन की योग्यता होगा, तो वे अपने अनुसार जो है जिस भी कक्षा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं उसका यहाँ पर क्या क्या लगेगा देख लीजिए। सबसे पहले तो ये सभी को लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक आपको लेके जाना होगा, जो कि आपका सेम नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैच करना चाहिए। उसके बाद में आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, जाति, अगर मान लीजिए EBC से हो, OBC से हो, तो NCL या EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। SC ST से हो तो उसका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में है आपका निवास प्रमाण पत्र, मतलब जो है रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं आप लोग, वे निवास प्रमाण पत्र आप बिहार का हो या UP का हो, कहाँ से हो, उसका लेके जाना है। मतलब ये 3 चीज़ तो कंपलसरी है, आपको ये लेके जाना ही होगा। उसके बाद करें फ्रेंड्स दिव्यांगता का, तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको ये लेके जाना होगा, जो कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपका PMCS से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको लेके जाना है। 5 पॉइंट में है भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र। जी फ्रेंड्स, अब भूतपूर्व सैनिक फ्रीडम फाइटर से हो तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है ना। नीचे में देखिए, अगर मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर हो तो उसके लिए लेके जाना है भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर मान लीजिए कि किसी भी सैनिक से आप रिटायर्ड हो तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए नियोजित शिक्षक अपना दस्तावेज लेके जाएंगे कि हाँ हम नियोजित हैं। उसके बाद में अगर आप CTET BEd क्वालिफाइड हो Paper 1, तो आपको इसका दस्तावेज या प्रमाण पत्र लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, इसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, बिहार स्टेट Paper 1 एवं उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, बिहार स्टेट Paper 2 का सारा डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। दक्षता दस्तावेज जैसे कि CTET हो गया, BTET हो गया, यही सब, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र लेके जाना है। जन्मतिथि के लिए आपको मिलान होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट्स और इसका जो मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं ये लेके जाना होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे, मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है आपका वो लेके जाइएगा, ठीक है ना। शैक्षणिक योग्यता 1-5 के लिए है, यहाँ पर BEd हो या DLED हो,
बीएड वाले तो खैर पीआरटी से बाहर है यहाँ पर, तो उनको लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट डीएलएड वाले कन्फर्म रहे कि आपको जो है डीएलएड का मार्कशीट और ओरिजिनल मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो उसका सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि बीएड एमएड डीएलएड वर्क 1-5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र के लिए आपको ये सभी चीज़ रख लेना है, ठीक है ना। 1-5 में बीएड वालों को भी यहाँ पर बोला गया है, तो आप समझ सकते हो कि 1-5 में अगर बीएड को अलाउ किया जाता है तो बीएड भी आपको वहाँ पर लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। सेक्शन की योग्यता 9-10 एवं दस्तावेज, उसका सेक्शन की योग्यता 9-10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, मतलब जो है बीएड बीए या बीएससी, ठीक है ना, ये सभी जो है 9-10 वालों के लिए दस्तावेज लगेगा, ये लेके जाना है। सेक्शन की योग्यता वर्ग 11-12 दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र लेके जाना है। बीएड एमएड या बीएड या बीएसएड, ठीक है ना, ये सभी जो है 1-12 के लिए लेके जाना है। सेक्शन की योग्यता 11-12 कक्षाओं तक का सभी डॉक्यूमेंट्स और इसका सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना है। याद रहे फ्रेंड्स, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9-10 एवं 11-12 के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। अगर वे दोनों के लिए अप्लाई किए हैं तो किसी एक दिन ही जाना है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और दोनों के लिए करवाना है, मतलब आपको 4 सेट बना के लेके जाएंगे, होंगे 2 सेट इसमें, 2 सेट इसमें, 4 सेट जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जमा करना होगा। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मैं फिर से उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।